हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी इंग्लिश वर्कशीट 37 है और जो इसकी डेट है वो है 7 अक्टूबर, यानी कि 7 अक्टूबर 2021। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिखना है। स्टूडेंट, आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हम माई चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें माई चाइल्डहुड में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी है। होपफुली आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और एक बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने इंडिया के लिए एक मिसाइल बनाई थी जिसका नाम था अग्नि। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए, ये जो है एक बहुत ही मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म होता है और इनका जन्म जो है वो साउथ इंडिया में होता है। ठीक है, रामेश्वरम के पास होता है और तमिलनाडु में है रामेश्वरम। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड विद हिज सिबलिंग, मतलब उन्होंने अपना जो बचपन है अपने 4 भाई बहनों के साथ बिताया। उनके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे आदर्श दिए और उनको डिसिप्लिन में रहना सिखाया। ठीक है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उन्होंने बहुत ही अर्ली एज में जो है कमाना शुरू कर दिया था। और जो उन्होंने पहली बार कमाया था ना, पता है कैसे कमाया था? न्यूज़पेपर बेच के, अपने कजन्स के साथ वो लोग ना न्यूज़पेपर बेचा करते थे। ठीक है, इन हिज चाइल्डहुड ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स, उनको अपने पापा मम्मी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी। ठीक है, उनके 3 दोस्त थे और तीनों के तीनों दोस्त ना अलग ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से थे। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़ीवादी हिंदू फैमिली से थे, लेकिन इन तीनों में ना देखो धर्म के आधार पे अलग होते हुए भी इनके तीनों दोस्त हिंदू थे, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम थे। लेकिन धर्म के आधार पे भेदभाव होने के बावजूद इन लोगों के बीच में जो चारों के बीच में दोस्ती थी ना वो बहुत ही गहरी थी। ठीक है, ऑल थ्री बिलोंग टू द डिफरेंट बैकग्राउंड बट दे इन्जॉय अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एंड ऑलवेज सपोर्टेड एंड मोटिवेट ईच अदर। द स्टोरी हाईलाइट द इवेंट एंड इंक्लूड द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चाइल्डहुड। इस स्टोरी में ना आप पढ़ोगे कि किस तरीके से, क्या पता है क्या होता है, ये चारों के चारों दोस्त एक साथ पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो जो इनका क्लास टीचर होता है ना वो पता है क्या कहते हैं, वो इनके 3 दोस्तों को तो आगे बिठाते हैं लेकिन APJ अब्दुल कलाम को ना बोलते हैं आप पीछे जा के बैठो, उनको उनके दोस्तों से अलग कर देते हैं। और पता है क्यों अलग कर देते हैं? बस इसीलिए अलग कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो मुस्लिम होते हैं और उनके जो 3 दोस्त होते हैं वो हिंदू होते हैं। लेकिन बाद में जब उन सारे दोस्तों के पेरेंट्स को ये बात पता लगती है, तो जो उनके फादर हैं, मतलब जो आपकी ये रामानंदा है ना, इनके जो फादर हैं ये आते हैं स्कूल और टीचर को बोलते हैं कि आप बच्चों को एक गलत शिक्षा दे रहे हैं, आप उनके बीच में सामाजिक धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। तो टीचर उनसे माफ़ी मांगता है और उनकी जो प्रॉब्लम होती है सॉल्व हो जाती है। ठीक है, फिर एक बार क्या होता है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ना साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको उनके साइंस के टीचर अपने घर खाने पर बुलाते हैं। ठीक है, वो जाते हैं, उनके टीचर जो है वो हिंदू होते हैं, तो जो हिंदू टीचर की वाइफ होती है ना वो उनको खाना परोसने से मना कर देती है, बोलती है मैं अपने घर में किसी मुसलमान को खाना नहीं खिलाऊंगी। तो जो टीचर है ना वो क्या करते हैं, वो खुद से खाना परोसते हैं। ठीक है भैया, कोई अपने घर में घर आए मेहमान का अनादर थोड़ी करेगा, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को वो खुद से खाना परोसते हैं। तब उनकी वाइफ को ना थोड़ा बुरा लगता है, मतलब उनको रियलाइज़ हो जाता है कि गलती, भाई हमारे को धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुसलमान हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉन्टेड टू कंटिन्यू हिज हायर एजुकेशन। अब देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़ने का बहुत शौक था और वो जिस गांव में रहते थे वहां पे शिक्षा के ज़्यादा अवसर नहीं थे, इसलिए वो अपना शहर छोड़ के कहाँ पर आ जाते हैं, रामनाथपुरम में आ जाते हैं। ठीक है, वो रामनाथपुरम में आ जाते हैं अपनी शिक्षा के लिए। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, MCQs क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट सर्टेन क्वेश्चन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पेरेंट्स आर एग्जिबिटेड इन द चैप्टर। तो APJ अब्दुल कलाम के पेरेंट्स कैसे थे, वो डिसिप्लिन वाले थे और ऑनेस्ट थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम विच वॉज नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो उनकी उनका जो चाइल्डहुड था उसमें कौन सी चीज़ नहीं थी, इमोशनल सिक्योरिटी थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बहुत इमोशनली अटैच थे, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, उनके आसपास का वातावरण भी काफ़ी साफ था, अच्छा था, मटेरियलिस्टिक पोजेशन या लग्जीरियस लाइफस्टाइल। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल थी बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, बिल्कुल भी लग्जीरियस या अमीरियत वाली जो है उनकी लाइफ नहीं थी। ठीक है, अगला है, उनके एक
जो है टीचर होते हैं अय्यर सेड वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड ही रेफर्ड टू द चेंज। देखो यहाँ पर जो उनके उनके जो टीचर हैं साइंस टीचर अय्यर जो हैं वो किस प्रकार के चेंज की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी में जो चेंज होते हैं उसके लिए, मतलब समाज में जो रूढ़िबद्ध भावनाएं होती हैं कंजर्वेटिव जो एटीट्यूड होता है सोसाइटी का उसको बदलने की बात करी जा रही है। द वर्ड एमिनेंट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, देखो एमिनेंट का मतलब होता है क्लोजली, समीप मतलब पास होना, तो देखो यहाँ पे जो जितने ए सी और बी वर्ड है ना इन सब का मतलब ही पास होना होता है, मतलब समीप होना, किसी के क्लोज होना, लेकिन डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना, अलग होना, तो यहाँ पे डी बिल्कुल आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में बताना है, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं जो आपने स्टोरी में पढ़े हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है डिस्पाइट द डिफरेंसेस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्ट्रॉन्ग इंजॉय स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। मैंने आपको बताया ना कि भाई उनके तीन दोस्त थे, तीनों का धर्म अलग अलग होने के बावजूद वो तीनों चारों दोस्त आपस में बहुत अच्छी दोस्ती निभाते थे। अब देखो आंसर थोड़े बड़े हो सकते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला है, 100 to 120 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है, इसीलिए मेरे को ना चाहते हुए भी थोड़ा आपका आंसर बड़ा करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर आपको सेम वही पढ़ना है, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, वही है कि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही सिंपल सी थी, चार दोस्त थे वो भी अच्छे थे, पापा मम्मी का बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, फिर आगे अपनी पढ़ाई के लिए वो बाहर चले जाते हैं, बस यही कुछ पढ़ना है आपने। फिर यहाँ पर बताया जाएगा कि वो उनकी दोस्ती कितनी मजबूत थी, तो मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ कि भाई चारों जो हैं बहुत अच्छे दोस्त थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, लेकिन उनकी जो फैमिली थी बहुत ही लिबरल थी। ठीक है, अब फैमिली बहुत लिबरल थी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जब पेरेंट्स जो हैं तब स्कूल पहुंच जाते जब उनके टीचर उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स लिबरल ना होते तो क्या कौन से पेरेंट्स जाते भाई हमारे बच्चे के साथ, आप हिंदू को मत बिठाओ, मुसलमान को मत बिठाओ, कोई पेरेंट्स नहीं बोलने जाते अगर वो लिबरल ना होते, लेकिन उन सबके पेरेंट्स जो लिबरल थे और जेनरस मतलब बहुत ही सरल स्वभाव के थे। ठीक है, और जो रामनाथ के फादर थे उन्होंने तो जाकर टीचर को डांटा था जब उनके टीचर ने उनको धर्म के आधार पर भेदभाव किया था। बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं रोज़ आपकी क्लास की वर्कशीट की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे।